अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी प्यारे भाई, क्या सब ठीक हैं? अच्छा, वही हुआ है जिसका डर था, जिसका हमें अच्छा था कि ये काम हो जाएगा, और अफसोस की बात है कि वो काम सऊदीया में भी शुरू हो गया। अभी हमारे काम में हुआ कुछ इस तरह है, मैं डिटेल से समझाता हूँ, आप ज़रा बात समझिएगा मेरी। हुआ कुछ इस तरह है कि दुबई में भी डिलीवरी का काम चलता था और कतर में भी ये काम हो रहा था, डिलीवरी का काम। तो जैसे फ्रीलांसर हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, फ्रीलांसिंग, बिल्कुल वैसे ही लोग वहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम करते थे। तो अब जब हम फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं ना, मैं जैसे कर रहा हूँ, तो हम जब चाहे काम पे निकल सकते हैं, जब चाहे काम बंद कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हम पे। जितना कमाते हैं वो हमारा अपना होता है, कफील को खर्चा अलग से, मतलब उसका जो सालाना होता है कामे की फ़ीस वगैरह वो दे लेते हैं उसको, 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा दे लेते हैं, रिहाइश वगैरह सब हम खुद लेता है। कतर में भी इस तरह हो रहा था, दुबई में भी इस तरह हो रहा था। तो अब दुबई में और कतर में क्या सीन उन्होंने शुरू किया है, जो कि अब हो चुके हैं वहाँ पर, और वो अब सऊदीया में भी होने जा रहा है। किया इन्होंने ये कि जब वहाँ फ्रीलांसिंग का काम लोग कर रहे थे, तो इन्होंने कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए, मतलब कि थर्ड पार्टी जो दलाल होते हैं ना, जिसे दलाल कहा जाता है, मिसाल के तौर पे अगर एक दुबई वाला है, अरबी है, उसको कहा जी तुम कंपनी खोलो, तुम अपनी कंपनी में बंदे लेकर आओ, मतलब कि तुम अपने नाम पे एक कंपनी खोलो, उसमें तुम बंदे इनवाइट करो, इंडिया से आएँ, पाकिस्तान से आएँ, नेपाल से आएँ, चाइना से आएँ, मतलब कि वो बांग्लादेश से आएँ, और उनको तनहा पे रखो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंदे बुलाए तनहाओं पे और लाकर, जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा चल रही है ना, फूड और वगैरह जो भी है डिलीवरी कंपनी, उस कंपनी में काम पे लगा दिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या कि इन बंदों को वो थर्ड पार्टी वाले जो दलाल थे वो सैलरी दे रहे हैं, तो वहाँ पर आगे कंपनी के साथ, मतलब अगर कंपनी 16 रियाल ले रहे हैं ना, तो वो उन्होंने ड्राइवर को 16 रियाल नहीं देने हैं, उन्होंने ड्राइवर को फिक्स सैलरी देनी है। अब फिक्स सैलरी किस तरह दे रहे हैं, वहाँ मैंने सुना है कि 7 रियाल का पर ऑर्डर दे रहे हैं, 7 रियाल का पर ऑर्डर, जबकि कंपनी जो ऑर्डर देती है, वैसे अगर फ्रीलांसिंग जो ड्राइवर होता है उसको 13 रियाल 14 रियाल का देती है मिनिमम ऑर्डर, और यानी कि दरम में अगर बोलें तो 13-14 रियाल का मिनिमम दरम में ऑर्डर होता है, और वो किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता भी है। तो अगर एक ड्राइवर जो है वो एवरेज हम लगाते हैं, अगर 13 रियाल का ऑर्डर है, अगर वो डेली 20 ऑर्डर करता था तो वो कमा रहा था 260 रियाल डेली के, और अगर इसको 30 के साथ ज़रब देते हैं तो वो कमा रहा था महीने का 7,800 दरम। इन्होंने क्या किया, सैलरी पे बंदे बुला लिए, अब जो सैलरी पे बुला रहे हैं उनको सैलरी दे रहे 1600 रियाल, जहाँ कोई फंस जाए 2,000 रियाल भी देते हैं दरम, मतलब 1600 दरम भी दे रहे हैं, 2,000 दरम भी दे रहे हैं, 1600 दरम दे रहे हैं। अब उससे ऑर्डर कितने लिखो करवा रहे हैं, ये 420 ऑर्डर करवा रहे हैं, यही काम सऊदीया में होने जा रहा है, बल्कि हो भी रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, डिटेल बता रहा हूँ। अब 420 रियाल ऑर्डर डिलीवर करने हैं ड्राइवर ने, उसको तनख्वाह मिलेगी 1600 दरम। अगर 420 को एवरेज के साथ हम ज़रब करें कि एक ऑर्डर जो है एवरेज 13 रियाल का पड़ता, 13 दरम का पड़ता है, तो वो उस ड्राइवर से कमा रहा है 5,460 दरम, उसको 1600 दरम वो तनख्वाह दे रहा है, 800 रियाल और निकाल दे, रिहाइश का हो गया, कामे का हो गया, जो भी है 860 और निकाले, बाकी 3,000 दरम वो एक ड्राइवर से घर बैठे बैठे ले रहे हैं। किसी ने 200 बंदा रखा हुआ है, किसी ने 300 बंदा रखा हुआ है, दुबई में कतर में यही काम चल रहा है, और अब ये काम सऊदी अरब में भी आ गया है। अब वहाँ दुबई में जाएंगे फ्रीलांसिंग का काम आपको नहीं मिलेगा, अगर डिलीवरी में करना चाहते हैं तो आपको तनहा भी जाना पड़ेगा। सऊदी अरब में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं डिलीवरी कंपनी में, अपनी मर्ज़ी से ऑन करते हैं, मर्ज़ी से बंद करते हैं, और अभी यहाँ भी शुरू कर दिए इन्होंने, अब यहाँ भी 1400 रियाल किसी को दे रहे हैं, किसी को 1600 रियाल तनहा दे रहे हैं, ऑर्डर कितने करने। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले यहाँ काम शुरू किया है जहेज़ वाली कंपनी ने, जहेज़ भी एक हंगर स्टेशन की कंपनी है,
तो उसमें होता क्या था, फ्रीलांसिंग में सब काम कर रहे थे, तो अब हमारे पास हंगर में तो ऑर्डर आता है ना एक्सेप्ट और डिक्लाइन का, लेकिन उसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन एक ही टाइम पे अगर 10 बंदे ऑर्डर के बाहर बैठे हैं तो 10 बंदों को आता था, जिसने पहले एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद चला जाता था। सब फ्रीलांसिंग में थे। जहाज़ वालों ने, जहाज़ कंपनी ने क्या शुरू किया कि भाई आप सब बंदे जो हैं हमारी कंपनी के नाम पर कुछ मतलब ट्रांसफ़र हो जाएँ, जो ट्रांसफ़र हो रहा था उसको वो इकामा दे रहे थे और रिहाइश दे रहे थे। इकामे में उसको बोल रहे थे कि इकामा और तुम्हें 1600 रियाल तनहा भी दे रहे थे। 1600 रियाल तनहा जब दे रहे थे, अलफ सितमिया जिसे बोलते हैं, 1600 रियाल तनहा दे रहे थे, उसमें उस बंदे ने 420 ऑर्डर करके देने थे उनको महीने के। याद रखें मेरी बात, 420 ऑर्डर करके देने थे, तकसीम करें 30 पे तो 14 ऑर्डर डेली के करके देने थे उस बंदे ने उस कंपनी को। और यहाँ सऊदी अरब में 420 वही एवरेज निकालते हैं 13 रियाल के साथ, तो 5460 रुपये बनते हैं। इसमें से माइनस वो उसको तनख्वाह दे रहा है 1600 रियाल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हम 2000 और मज़ीद ख़र्चा निकाल लेते हैं इकामे का, जो भी बोलते हैं 2000 नहीं बनता इतना, लेकिन मैं बोलता हूँ निकाल लेते हैं, तो एक बंदे से कंपनी जो है 1860 रियाल कमाने शुरू कर दी। यहाँ पर कुछ लोगों ने करवाया था कफाला, किसी ने नहीं करवाया था, ठीक है। कफाला बोलते हैं ट्रांसफ़र हो जाना, स्पॉन्सरशिप जो है ना वो नाम पे अपना ट्रांसफ़र कर लेना, उसके अंडर में काम करना। अब जिस बंदों ने, कुछ ने तो तनख्वाह पे करवा लिया था कि भाई हमारा इकामा जो है महंगा है, जो भी है कुछ लोगों ने। अब जहाज़ कंपनी ने क्या ड्रामा शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ, जो फ्रीलांसर थे उनके साथ। अब अगर इस तरह ऑर्डर आ रहा है ना, एक्सेप्ट और कैंसिल का ऑर्डर आ रहा है जहाज़ में, तो मैंने बताया आपको जब जहाज़ का ऑर्डर आता है एक ही टाइम पे 10-12 बंदों को, जो ऑर्डर होटल के नज़दीक होते हैं उनको ऑर्डर आता है, जो पहले एक्सेप्ट कर ले तो उसके पे चले जाता है, तो लोगों ने ज़्यादा हाथ इधर ही रखा होता है। अब कंपनी ने क्या ड्रामा शुरू किया है कि जो कफाले वाले आदमी थे, जिन्होंने यानी कि जिन्होंने कंपनी के थर्ड पार्टी के नाम पर ट्रांसफ़र किया हुआ था ओनरशिप, अपना जो है वर्क भी था, उसको 5 सेकेंड पहले ऑर्डर दे रहे हैं। 5 सेकेंड पहले, मैं बता रहा हूँ, फिर समझे मेरी बात। जहाज़ कंपनी में मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको एक डिटेल से समझा देता हूँ। जी, ये देखें ज़रा, अगर ये स्क्रीन शॉट ओपन हो जाए तो, देखें अभी ये बंदों ने पूरा स्क्रीन शॉट नहीं लगाया हुआ, मसला चल रही है, मतलब मैं आपको डिटेल से समझा देता। जी ये देखें ज़रा छोटा करके, अभी इसने एक्सेप्ट किया हुआ है। बहरहाल जैसे ही ऑर्डर आता है ना, तो 8-10 बंदों के पास आता है जो होटल के नज़दीक होते हैं, जिसने पहले एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद ऑर्डर चला जाता था। अब कंपनी क्या कर रही है, जिन्होंने ओनरशिप ट्रांसफ़र की हुई है ना, ट्रांसफ़र कफाला किया हुआ है उस थर्ड पार्टी के नाम पर है, उनको वो 5 सेकेंड पहले ऑर्डर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारे जो फ्रीलांसर जो ड्राइवर थे वो रो रहे हैं। अब जो कफाले वाले हैं जो थर्ड पार्टी के नाम पर हैं, उनको 5 सेकेंड पहले ऑर्डर आता है, दूसरे सब बैठे होंगे यहाँ पर, वो चाहेगा तो कंपनी वाला एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा तो कैंसिल कर देगा, फिर उसके बाद बेचारे वो दूसरे बंदे को बच जाएंगे। यानी कि मजबूर किया जा रहा है कि आप ट्रांसफ़र हो जाएं कंपनी के नाम पर, और मजबूर किया जा रहा है कि तनख्वाह पे काम करें, 1600 रियाल तनख्वाह पे काम करें, यानी कि उनको आप 420 यानी उनको आप 5460 कमा के दें और उनसे तनख्वाह लें, माइनस उनसे आप तनख्वाह ले लें 1600 और उनको प्रॉफिट दें हर महीने के महीने थर्ड पार्टी वाले को 3860 रुपया हर महीने ये कमा के दें, वरना आप यहाँ काम नहीं कर सकते।
बहरहाल ये काफ़ी देर से शुरू होने वाला था सिस्टम, अभी शुरू हो गया, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बताऊं, दो मह जो है ना तकरीबन 2 साल तक लग जाएंगे अगर हम कमाना चाहते हैं। आप भाई आना चाह रहे हैं जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी 2 साल के अंदर मैक्सिमम आप जितना कमाना चाहते हैं कमा लें, उसके बाद या तो आपको कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र होना पड़ेगा या फिर आप किसी और कंट्री में उड़ जाए, यही फ़ायदे में रहेगा आपके, वरना आप यहाँ सऊदी अरब में डिलीवरी का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। ये मत सोचें कि दुबई चले जाएंगे, दुबई में भी ऑलरेडी ये काम हो चुका, तभी वहाँ वाले जो दलाल थे थर्ड पार्टी जो थे वो यहाँ आ गए। मैं आपको फिर समझा देता हूँ अगर किसी भाई को बात समझ नहीं आई। अब हम फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी हंगर स्टेशन सेपरेट है। अब रूल क्या निकल रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी वाले ड्राइवर्स हायर करेंगे अपने नाम पर, थर्ड पार्टी वाले, फिर वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हंगर स्टेशन कंपनी के साथ वन बाय वन कि भाई हमारे पास इतने ड्राइवर हैं ले लो। अब वो कंपनी उनको मतलब कि उनको काम पे लगाएगी, तो जो बेनिफिट होगा जो थर्ड पार्टी वाला जो ओनर है वो क्या करेगा, वो 1600 रियाल हर बंदे को तनख्वाह देगा और उससे 3860 रियाल महीने के कमाएगा, उससे काम लेगा 5460 रुपये का 60 रियाल का, और उसको तनख्वाह देगा 1600 रियाल और कमाई करेगा 3860 रियाल। लगे वाट लगी हमारी बस। अच्छा, दूसरी बात, हंगर में भी ये काम शुरू हो गया है, हंगर वालों ने भी ये काम शुरू कर दिया है, उन्होंने भी थर्ड पार्टी वालों ने ये ड्राइवर मंगवा लिए हैं, और कंपनी प्रायोरिटी किनको दे रही है ऑर्डर, जो कंपनी वाले हैं जो थर्ड पार्टी वाले हैं, जो फ्रीलांसर हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दे रही, जब ऑर्डर एक्स्ट्रा होंगे तब उनको फ्रीलांसर वाले को देंगे, वरना जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ तब हमें ऑर्डर आएगा वरना नहीं आएगा। मायूस ना हो, अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप 2 साल तक अभी भी टाइम है, क्योंकि इनको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, 1 लाख के करीब ड्राइवर चाहिए यहाँ सऊदी अरब में हाली रियाज के अंदर काम करने के लिए, 1 लाख के करीब। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप इंशाल्लाह 2 साल के अंदर जितना चाहे कमा सकते हैं, कमा के निकल सकते हैं यहाँ से प्रवास करके, फिर किसी यूरोप कंट्री में जाएँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। बस डर एक लगा रहता है कि यूरो कंपनी में ईमान कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ जैसा माहौल है बंदा पिघल जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ कमाना चाहते हैं तो 2 साल तक आप मज़ीद कमा सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द कर लें, अगर आना है यहाँ काम करना जल्द से जल्द करें, लेट ना करें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, देखें मुझे मैसेज आ रहा बार बार कंपनी का, बात भूल गया मैं। हाँ, फ्रीलांसर को ऑर्डर मिलता 13 रियाल का, और अगर कोई सऊदी काम करेगा हंगर स्टेशन कंपनी में तो उसको मिनिमम ऑर्डर 16 रियाल का मिलेगा, चाहे वो यहाँ इस रेस्टोरेंट से पकड़ के साथ वाले रेस्टोरेंट दुकान में छोड़ना है, उसको 16 रियाल का मिलेगा। अंदाज़ा लगा ले आप मैं कहना के चाह रहा हूँ, दुआ में याद रखिएगा। और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ आज शाम को इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पाकिस्तान जाके एक्सप्लोर करूँगा, आपको मालूमात देता रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा।